नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद सिद्धार्थ नगर के प्रत्येक तहसील में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन का जश्न धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर पैगंबर के अनुयायियों के द्वारा निकाला गया जुलूस और हुई तकरीरें। इस जुलूस में हरे झंडे के बीच तिरंगे को लहराकर हिंदुस्तान की भी बढ़ाई गई शान। सिद्धार्थ नगर से विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। मेरा नाम गुलाम अहमद रजा जमाली है। आज जो है खुशी मना रहे हैं आप लोग, ये कैसी खुशी है और जो है इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। आज जो हम खुशी मना रहे हैं, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां जो मक्का में पैदा हुए कबीले कुरैश में, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह के लगते जिगर हैं, हज़रत आमिना के बेटे हैं। आपका जन्म जो हुआ सोमवार के दिन सुबह सवेरे भोर के वक्त आप 12 रबीउल अव्वल को मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए अरब देश में, और वो नबी आखिरुज़्ज़मां हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद 500 साल तक कोई नबी नहीं आया। उसके बाद में जब लोग जुल्म उस्तम और अहम बका की सदाएं बुलंद कर रहे थे, ऐ मौला ऐ ईश्वर तू कोई ऐसा महाफिज भेज दे, कब तक कि हम बच्चियां जिंदा दरगोर होती रहेंगी, कब तक कि हम भेड़ चढ़ाए जाएंगे। जो किसी का बाप अगर मर जाता था, अगर उसका बेटा रहता था छोटा, तो उसको गुलाम बना लिया जाता था। और जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं, सगी बहनों के साथ शादियां की जाती थी, और जब ये जुल्म उस्तम बढ़ता गया तो ईश्वर ने एक ऐसे मुहाफिज को भेजा जो सारी दुनिया में जुल्म उस्तम को मिटा करके एक ऐसा पैगाम दिया कि अब बच्चियां जिंदा दरगोर नहीं की जाएंगी, अब यतीमों को सताया नहीं जाएगा, अब बेवाओं को सताया नहीं जाएगा, अब मजलूमों को सताया नहीं जाएगा, बल्कि हर एक को जीने का हक होगा। बच्चियों को जीने का हक दिया गया, औरतों को जीने का हक दिया गया, औरतों को जीने का वक़ार दिया गया, और तमाम इस्लाम मजहब इस्लाम को वाला कर दिया गया। और नबी आखिरुज़्ज़मां ने 12 रबीउल नूर को पैदा हुए, और आपकी उम्र जब 40 साल की हो गई तो आपने अपने नबी होने का ऐलान किया, अपने नबी होने का ऐलान किया कि अरे लोगो, अरे मक्का वालों, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। और आपने कुरान अजीम की बहुत सी आयत करीमा देखी होंगी। कुरान करीम में है लकद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कुरान पाक में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और दूसरी जगह परवरदिगार आलम अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, रोशन किताब से मुराद वो कलाम मजीद जो मक्का की सरजमीन पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो वहाँ घेरा के पहाड़ी में नाजिल हुआ। आप हजर में थे तो वहाँ भी नाजिल हुआ। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते लेकर के आते थे और मजहब इस्लाम का पैगाम दिया वो नबी जिन्होंने अपने 6 साल की उम्र में कहा, अरे लोगों, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से हिफाजत करो, उस मुल्क की मोहब्बत निभाओ। आपने 6 साल की, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने हमें 6 साल की उम्र में पैगाम दिया कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, किस जो जहाँ का पैदा होने वाला हो वो वहाँ से वो मोहब्बत करे, यानी अरब में पैदा होने वाला। हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पैदा हुए तो उन्होंने कहा, जिस देश में रहो, जिस देश में पैदा हो उस देश से मोहब्बत करो। इसलिए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाएगा या आँख दिखाएगा तो उसको हम चकनाचूर कर देंगे, उसके हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नारे निसाला, नारे चिश्ती, नारे मुजद्दी, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे निसाला। और अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते लेकर के आते थे और मजहब इस्लाम का पैगाम दिया वो नबी जिन्होंने अपने 6 साल की उम्र में कहा, अरे लोगो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से हिफाजत करो, उस मुल्क की मोहब्बत निभाओ। आपने 6 साल की, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने हमें
6 साल की उम्र में पैगाम दिया कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, किस जो जहां का पैदा होने वाला हो वो वहां से वो मोहब्बत करे, यानी अरब में पैदा होने वाला हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पैदा हुए तो उन्होंने कहा जिस देश में रहो, जिस देश में पैदा हो उस देश से मोहब्बत करो। इसलिए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाएगा या आँख दिखाएगा तो उसको हम चकनाचूर कर देंगे, उसके हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नारे निसाला, नारे चिश्ती, नारे मुजद्दी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकदीर, नारे निसाला।